बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री न्यू बुक चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसका पार्ट 11 करने जा रहे हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। पार्ट 11। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया के बावजूद ये कि इन वीडियोज़ में मुझसे मिस्टेक्स हो रही हैं, ठीक है, जिसकी बुनियादी वजह तो ये है कि ये हमारी सिंटेक्स बुक बोर्ड टेस्ट एडिशन गलतियों से भरी पड़ी है। यानी कि लिटरली मैं थक गया हूँ इसके अंदर से मिस्टेक्स को ठीक कर कर के बता बता के मैं खुद थक गया हूँ। और कुछ मिस्टेक्स मुझसे भी हुई हैं भाई, इंसान हूँ मैं, लेकिन इन्होंने तो एक चैप्टर के अंदर, एक टॉपिक के अंदर इतनी मिस्टेक्स की हैं कि बस बयान से बाहर है। बहरहाल तो साथ साथ वीडियो में बात हाईलाइट होती रहती हैं, मिस्टेक्स तो फिर वीडियो में मैं एडिट कर देता हूँ। आप में से वो बच्चे जो वीडियो डाउनलोड करके देखते हैं, तो मैंने ये चेक किया था कि डाउनलोड होने के बाद वो जो मैं बाद में किसी वीडियो को एडिट करके किसी मिस्टेक को हाईलाइट करता हूँ, तो वो डाउनलोडेड वीडियो में वो मिस्टेक शो नहीं होती। तो आपसे मैं ये कहूँगा कि एक दफ़ा आप लोग जो है वीडियोस को ज़रा चेक करते रहा करें। ऑनलाइन थोड़ा सा खर्चा होगा, लेकिन ये कि ऑनलाइन जो है वीडियो को देखें। काफ़ी वीडियोस में मैंने फिर एडिटिंग जो है वो मिस्टेक्स वगैरह जो है ना वो हाईलाइट की हैं। बहरहाल चलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की तरफ। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये थ्योरी दी गई थी 1900 में। ये सिर्फ थ्योरी नहीं थी, ये साइंस की एक ऐसी दुनिया का आगाज़ था जिसको क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। यानी कि साइंस इससे पहले, इस थ्योरी से पहले ये समझा जा रहा था कि साइंस में हमने तकरीबन फिज़िक्स में केमिस्ट्री में अचीव कर लिया जो अचीव करना था, ये कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन जब ये थ्योरी आई दुनिया के सामने, तो फिर साइंटिस्ट बिरादरी को पता लगा कि अभी तक हमने तो सिर्फ ABCD ही साइंस की पढ़ी है, असली साइंस तो अब शुरू हुई है, जिसको हम क्वांटम साइंस कहते हैं या फिर क्वांटम वर्ल्ड कहते हैं। वो दुनिया जो कि क्वांटा से मुताल्लिक है, बंडल्स ऑफ एनर्जी से मुताल्लिक है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी से मुताल्लिक है, इससे मुताल्लिक है। ये वो दुनिया है जहाँ बात ही एनर्जी की जाती है, मैटर की बात नहीं की जाती, ठीक है। तो इसके बारे में तो अभी मैं क्या कहूँ, ये तो अलग से इसके ऊपर तो वीडियोस बना के आपको बताना पड़ेगा, बड़ी बड़ी वीडियोस बनेंगी तो आपको समझ में आएगा ये क्या है। बहरहाल थोड़ा सा मैं इसका एक ओवरव्यू यहाँ पर आपको दूंगा एक मिसाल दे के। ये मिसाल अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो आपको समझ में आ जाएगी यहाँ पर क्या बात हो रही है, और अगर ये मिसाल आपको समझ में ना आई तो फिर मुश्किल है आपके लिए इस थ्योरी को पूरे तरीके से समझना। सपोज़ करते हैं कि हमारी दुनिया में, ये मिसाल दे के आपको समझा रहा हूँ, सपोज़ करते हैं कि हमारी दुनिया में जितने ममालिक हैं हर जगह पर, कहीं भी आप एप्पल लेने के लिए जाते हैं, एप्पल लेने के लिए जाते हैं तो एप्पल आपको लूज़ में नहीं मिलते। जैसे कि एक एप्पल दे दें, दो एप्पल दे दें, चार दे दें, छः दे दें, सात दे दें, ऐसी बात नहीं है, बल्कि आपको बॉक्स मिलेगा एप्पल का, 5 apples पर बॉक्स। बात समझ आ रही है? सपोज़ करें, फ़र्ज़ करें कि आज कल हमारी दुनिया में एप्पल अगर आपको कहीं लेने हैं तो एक दो एप्पल आपको नहीं मिलेंगे, आपको एक बॉक्स मिलेगा जिसमें 5 apples हैं। तो आपको एप्पल चाहिए तो या तो आप एक बॉक्स लें, या तो आप 2 boxes ले लें, या आप 3 boxes ले लें, आधे बॉक्स का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और एक एप्पल चाहिए, 10 apples चाहिए, 20 apples चाहिए, इसका भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ आ रही है? मतलब दुनिया में किसी भी मुल्क में
कहीं भी आप चले जाएं, आपको अगर एप्पल खाने हैं तो आपको 5 एप्पल्स का बॉक्स ही लेना पड़ेगा। एक बॉक्स लें या 2 बॉक्स लें या 3 लें या 4 लें, बात समझ आ गई। अब चलते हैं एनर्जी की तरफ। एनर्जी एनर्जी कोई भी बॉडी, एनर्जी की डेफिनेशन मैंने पहले भी बताई है आपको, कैपेबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की सलाहियत। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बात बताई है, कैपेबिलिटी टू डू वर्क। वेव्स जो हैं, वेव्स ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ठीक है। वेव्स क्या हैं, इनको हम कहते हैं एनर्जी कैरियर, एनर्जी कैरियर, एनर्जी को ले जाने वाली गाड़ी, ये वेव्स हैं, ये वाली। एनर्जी की कुछ फॉर्म्स मैं आपको बता दूं, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है। इसमें से सबसे कॉमन ये दो ही है हमारे पास। वैसे साउंड एनर्जी भी है, साउंड को ये अभी बात में नहीं करता मैं आपसे, लाइट की भी बात नहीं करता मैं, साउंड की भी बात नहीं करता मैं, लाइट की भी बात नहीं करता मैं, हीट की करता हूँ। सबसे ज़्यादा यही कॉमन है, खाना बनाने में, चाय बनाने में, सूरज से आपको हीट मिलती है, मतलब हीट जो है ये कॉमन है। बच्चे को भी पता है हीट क्या होती है, गर्मी होती है, आसान लफ्ज़ों में इसको कहा जाता है, लेकिन साइंस की ज़बान में इसको कहा जाता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। वैसे इसकी एक और अप्रोप्रिएट और भी डेफिनेशन है, लेकिन अभी मैं आपको आसान सी डेफिनेशन सिर्फ बता रहा हूँ। फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक हालत का नाम है, एनर्जी की ये एक फॉर्म है। लाइट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की बहुत सारी हालतें हैं, ठीक है, फॉर्म्स हैं, एनर्जी की बहुत सारी शक्लें हैं, और ये आपको बड़ी कॉमन है। यहाँ पर एक छोटी सी मिसाल देके समझाऊँ, आप चाय पी रहे हैं, ये कप है आपके पास, ठीक है, इसमें चाय मौजूद है, चाय जो है वो हॉट है, गर्म है। आप जब इसके पास अपना हाथ लेके जाते हैं, आप इसके पास जब अपना हाथ लेके जाते हैं, हैंड जब अपना इसके आप कप के नज़दीक करेंगे, आपको फील होगी, आपको फील होगी क्या, हॉटनेस, आपको गर्मी फील होगी। ऐसा ही है ना, कॉमन ऑब्जर्वेशन है आपकी ज़िंदगी का। तो गर्म कप के नज़दीक आप हाथ लेके जाएंगे, आपको गर्मी महसूस होगी। इसका मतलब गर्मी मतलब हीट, आपको हीट महसूस होगी। इसका मतलब चाय से हीट निकल के कहाँ जा रही है, आपके हाथ पर जा रही है, आपके हाथ पर हीट जा रही है और आपको महसूस हो रही है। अब मैं आपको बता चुका हूँ हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो क्या होता है, वेव्स जो हैं वो लेके जाती हैं, वेव्स जो हैं, वेव्स का काम ही एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है। तो चाय के कप से जो एनर्जी जा रही है आपके हाथ तक, उसको कौन लेके जा रहा है, वेव लेके जा रही है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। आपके हाथ तक जब ये हीट वेव, अब मैं इसको कहूँगा हीट वेव, ये हीट वेव जब आपके हाथ से टच होगी तो पता है क्या होगा, टच तो हो जाएगी आपके हाथ तक, ये हीट वेव पहुँच तो जाएगी, लेकिन आपको महसूस कब होगी, आपको फील कब होगी, जब आपका हाथ एब्जॉर्ब करेगा, जब आपका हाथ इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा। बिल्कुल इसी तरह आपका हाथ हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो आपको हीट महसूस हो रही है, बिल्कुल इसी तरह यहाँ से हीट जो है वो निकल रही है, इमिट हो रही है। ये दोनों वर्ड जहन नशीन कर लें, एक तरफ हीट जो है वो, एक तरफ हीट जो है आपका हाथ एब्जॉर्ब कर रहा है, और दूसरी तरफ ये चाय का कप हीट को इमिट कर रहा है, खारिज कर रहा है, रिलीज़ कर रहा है। चाय के कप से हीट रिलीज़ हो रही है, इमिट हो रही है, और आपका हाथ उसको एब्जॉर्ब कर रहा है।
हीट यहाँ से वहाँ जो जा रही है वो किसकी मदद से जा रही है, किस गाड़ी पे बैठ के जा रही है, वेव के ऊपर बैठ के जा रही है, इसीलिए इस वेव को हम क्या कहेंगे, हीट वेव। तो हीट वेव यहाँ से यहाँ तक आ रही है और आपका हाथ उस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, आपको गर्मी महसूस हो रही है। समझ में आ गई बात? अब ये जो आपको गर्मी महसूस हो रही है हीट का एक हीट कोई सी भी हो, चाहे हीट एनर्जी कोई सी भी हो, एनर्जी कोई सी भी हो, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, कोई सी भी एनर्जी है, अगर आप अमाउंट बताना चाहते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी तो इसका एक यूनिट है जिसको जूल कहते हैं, JOUL, जूल। तो आपका हाथ जो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसका अमाउंट जो है कितना हो सकता है आपके ख्याल में, 10 जूल्स होंगे, 20 जूल्स होंगे, 100 जूल्स होंगे, ऐसे ही होगा ना। अब आपसे पूछा जाएगा भाई आपके हाथ ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, तो आप कहेंगे यार कोई 100 जूल्स हीट एब्जॉर्ब की है मेरे हाथ ने, या 2 जूल्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब की है, या 5 जूल्स जो है वो हीट एब्जॉर्ब की है। एग्जैक्टली यही बात होगी ना, तो आप बता सकते हैं। इसी तरह बिल्कुल चाय के कप से जो हीट निकल रही है, इमिट हो रही है, खारिज हो रही है, वो भी किस में निकल रही होगी, कितनी निकल रही होगी, उसको भी आप जूल्स में बोलेंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई? मैं क्विक रिव्यू कर दूँ अपनी बात का कि मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ। मैंने आपको अभी तक क्या बातें बताई हैं, मैंने आपको बताया है कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी को समझने के लिए पहले आप एक एग्जांपल को समझ लीजिए कि आप दुनिया में कहीं भी अगर एप्पल्स खाना चाहते हैं तो एप्पल्स जो हैं 5-5 के बॉक्सेस में मिलते हैं, यानी कि एक बॉक्स में 5 एप्पल हैं, आपको पूरा बॉक्स जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है। जितने भी आपको एप्पल्स खाने हैं, आप बहुत सारे लोग हैं तो आप जो है वो 2 बॉक्स ले लें, 4 बॉक्स ले लें, आपको बॉक्स के हिसाब से ही एप्पल मिलेंगे, फ्री एप्पल नहीं मिलेंगे आपको। अगर आपको 2 एप्पल चाहिए, 3 एप्पल चाहिए, 4 एप्पल चाहिए, और ना ही आपको आधा बॉक्स मिलेगा, कम अज़ कम जो मिकदार है वो एक बॉक्स है। आपके घर में कोई इवेंट है, शादी है, एप्पल्स आपको चाहिए, तो कितने भी आपको एप्पल्स चाहिए, भले आप ट्रकों में लोड करवा के एप्पल्स मंगवाना चाहते हैं कि ट्रक में लोड होकर एप्पल्स आएँ, तब भी वो आएंगे कैसे, वो बॉक्सेस में ही आएंगे, चाहे आप एक बॉक्स लें या 1000 बॉक्स लें। बात समझ आ गई? मतलब दुनिया में कहीं भी एप्पल्स आपको बॉक्सेस के अलावा नहीं मिलेंगे, और हर बॉक्स में 5 एप्पल्स जो हैं वो होंगे। समझ में आ गई बात आपको? अब यहाँ पर ज़रा समझिए हीट यहाँ से जो इमिट हो रही है, मैं ज़रा जगह बनाऊँ अब थोड़ी सी, हीट यहाँ से जो इमिट हो रही है और हीट यहाँ पे आपका हाथ जो एब्जॉर्ब कर रहा है, ये भी ऐसे ही नहीं करेगा अपनी मर्ज़ी से, नहीं ऐसी बात नहीं होगी, ठीक है, ऐसे ही नहीं करेगा अपनी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी का अमाउंट नहीं होगा कि कुछ भी अमाउंट जो है हीट का चला गया, 10 जूल्स चले गए, 20 जूल्स चले गए, ठीक है, ऐसी बात नहीं होगी इस चाय के कप के साथ। यहाँ से जो हीट इमिट होगी, खारिज होगी, वो भी बिल्कुल एप्पल्स की तरह स्पेसिफिक अमाउंट में होगी, स्पेसिफिक अमाउंट, इसको मैं कहूँगा मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट, कम से कम ख़ास तादाद, मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट, कम से कम ख़ास तादाद। जैसे कि अगर मैं आपसे एप्पल्स का पूछता हूँ कि एप्पल की पूरी दुनिया में कम से कम स्पेसिफिक अमाउंट एप्पल का कितना होगा, तो वो क्या होगा, 1 बॉक्स, ये आखिरी हद है, 1 बॉक्स। इससे ज़्यादा बॉक्सेस तो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम तादाद जो है वो एप्पल की क्या है, वो एक बॉक्स है, और एक बॉक्स के अंदर कितने एप्पल हैं, 5 एप्पल हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से जो हीट एनर्जी
इमिट हो रही है, खारिज हो रही है, और दूसरी तरफ आपका हाथ जो है, आपका हैंड जो है, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर भी हीट एनर्जी यहाँ से जो खारिज हो रही है वो ऐसे नहीं हो जाएगी अपनी मर्जी से, यहाँ पर भी एक मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट मौजूद है, और वो अमाउंट पता है कितना है, वो है 6.625 × 10⁻³⁴ जूल्स। ये है वो स्पेसिफिक अमाउंट। मैंने इसीलिए एप्पल वाली मिसाल दी थी, ये क्या है, मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का कम से कम अमाउंट जो है वो इतना है, 6.625 × 10⁻³⁴। ठीक है, जिस तरह एप्पल्स का कम से कम अमाउंट जो है वो दुनिया में कितना है, 1 बॉक्स, और उसमें कितने एप्पल हैं, 5 एप्पल्स हैं। बिल्कुल इसी तरह यहाँ से हीट एनर्जी जो इमिट हो रही है इस कप से, वो इन पैकेट्स की सूरत में आगे जा रही होगी। अब जितनी भी हीट जाएगी ना, जितनी भी हीट जाएगी वो इन्हीं पैकेट्स की सूरत में आगे जाएगी। मैं पूरा तो ये नंबर नहीं लिख सकता, 6.02, 6.02, 6.02, तो इन पैकेट्स की तादाद में आगे जो है वो जा रही होगी हीट। बात समझ में आ गई। और आपका हैंड जो है वो भी जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, वो भी इन पैकेट्स की सूरत में ही करेगा, इन बॉक्सेस की सूरत में ही करेगा। और एक बॉक्स के अंदर कितनी हीट एनर्जी मौजूद है, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल्स जो है एक पैकेट में, ये एक पैकेट में, वन पैकेट या बॉक्स कंटेन हाउ मच मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम अज कम कितना अमाउंट एक बॉक्स के अंदर होगा एनर्जी का। जिस तरह यहाँ पर दुनिया में एक बॉक्स के अंदर कम अज कम कितने एप्पल थे, 5 एप्पल, बिल्कुल इसी तरह एक पैकेट के अंदर कितनी एनर्जी होगी, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल। तो वन पैकेट या बॉक्स कंटेन्स मिनिमम, कम अज कम कितने जूल्स, मिनिमम हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी, हाउ मैनी जूल्स ऑफ एनर्जी, जूल्स ऑफ एनर्जी, 6.625 × 10⁻³⁴ जूल्स। क्या लिखा हुआ, एक पैकेट या एक बॉक्स के अंदर, एक पैकेट या एक बॉक्स जो है वो कम अज कम कितनी जूल्स ऑफ एनर्जी रखेगा, 6.625 × 10⁻³⁴। अब हीट जो जहाँ से यहाँ तक जा रही होगी वो इन पैकेट्स की सूरत में ही जा रही होगी, मतलब या तो हीट एनर्जी का एक पैकेट जा रहा होगा, या 2 जा रहे होंगे, या 3 जा रहे होंगे, या 300 जा रहे होंगे, या 3 लाख पैकेट जा रहे होंगे। जितना भी हीट एनर्जी यहाँ से वहाँ जा रहा होगा, इमिट हो रहा होगा, वो पैकेट्स की सूरत में होगा, और एक पैकेट के अंदर कितनी एनर्जी होगी, कितने जूल्स एनर्जी होगी, 6.625 × 10⁻³⁴। और इसी पैकेट को या इसी बॉक्स को जिसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो एनर्जी का मौजूद है, या ये जो स्पेसिफिक अमाउंट है एनर्जी का जो कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वो क्या है, उसको हम क्वांटा कहते हैं, क्वांटा। तो अब मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वन क्वांटा ऑफ एनर्जी, वन पैकेट ऑफ एनर्जी, वन बॉक्स ऑफ एनर्जी विच कैन इमिट और एब्जॉर्ब इज इक्वल टू 6.625 × 10⁻²⁵। तो यहाँ से कप से जो हीट एनर्जी निकलेगी क्वांटा की सूरत में निकलेगी, या तो एक क्वांटा जाएगा, एक क्वांटा या क्वांटम, क्वांटा प्लूरल है, क्वांटम सिंगुलर है, तो हीट एनर्जी जो यहाँ से निकलेगी
वो इन्हीं क्वांटा की शक्ल में निकलेगी। समझ में आ गई बात आपको? या तो एक क्वांटा, कम से कम एक क्वांटा यहाँ से जाएगा। आप जूल्स की बात कर रहे हैं ना, और एक क्वांटा के अंदर कितनी एनर्जी मौजूद है? 6.625×10⁻³⁴ जूल्स। ये नहीं होगा कि ये एक क्वांटा है, वन क्वांटा या पैकेट इज इक्वल टू कितनी एनर्जी रखता है? 6.625×10⁻³⁴ जूल्स। अब कोई आपको ये बोलता है कि भाई यहाँ से इस कप से हीट एनर्जी का आधा क्वांटा यहाँ से यहाँ गया है, नहीं मानने वाली बात नहीं है। कोई आपको बोलता है कि इस कप से हीट एनर्जी का डेढ़ क्वांटा जो है वो इमिट हुआ है, नहीं ये मुमकिन ही नहीं है। यही बात मैक्स प्लैंक ने कही थी, कब? 1900 में। जर्मन फिजिसिस्ट था ये, ठीक है। इसने कहा कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, चाहे हीट एनर्जी हो, लाइट एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, ठीक है, साउंड एनर्जी तो नहीं, खैर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात हो रही है सिर्फ। अब ये जहन में रखिए, इसकी वजह क्या है ये अभी तो नहीं बता सकता आपको, बाद में बताऊंगा। तो एनर्जी जब एक जगह से दूसरी जगह जब जाएगी, किसी भी जगह से एनर्जी इमिट होगी और किसी भी जगह एनर्जी एब्जॉर्ब होगी, उसका एक स्पेसिफिक अमाउंट जो है वो ही इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, या फिर उसका मल्टीपल ही इमिट होगा या उसका मल्टीपल ही एब्जॉर्ब होगा। यहाँ पर मल्टीपल से मतलब मेरा ये है कि एक क्वांटा या तो इमिट होगा, या दो होंगे, या चार होंगे, या छः क्वांटा होंगे, ठीक है। 6.5 क्वांटा नहीं होंगे, 6 क्वांटा होंगे या 7 होंगे। और हर क्वांटा के अंदर, हर क्वांटम के अंदर एनर्जी कितनी मौजूद है? 6.625×10⁻³⁴ जूल्स। ये किसने बात बताई हमें? मैक्स प्लैंक ने बताई, और यही बात कहलाती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या कहलाती है यही बात? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी, और उसने मैथमेटिकली इसको प्रूव भी किया था, ठीक है। अब ये जो एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है, कैसे जा रही है? गाड़ी कौन सी है उसको ले जाने वाली? वेव्स हैं, ठीक है। और आपको पता है वेव्स जो हैं वो कैसी होती हैं? वेव्स इस तरह की होती हैं, अप एंड डाउन सिस्टम होता है उनका। मैं बता देता हूँ आपको, वेव्स ऐसी होती हैं, ये वेव्स हैं। तो हीट एनर्जी जो जा रही है क्वांटा के हिसाब से, हीट एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है, ठीक है। क्वांटा का हिसाब किताब है, पैकेट्स का हिसाब किताब है एनर्जी का, एक जगह से दूसरी जगह इमिट भी होगी तो क्वांटा में होगी, और एब्जॉर्ब होगी तो क्वांटा में ही होगी। जिस तरह एप्पल की मिसाल मैंने आपको दी है, दुनिया में आपको एप्पल चाहिए तो आपको बॉक्स की सूरत में ही मिलेंगे, और एक बॉक्स में 5 एप्पल मिलेंगे, आधा बॉक्स आपको एप्पल का नहीं मिलेगा, लूज में आपको एप्पल नहीं मिलेंगे। बिल्कुल इसी तरह जूल्स जो हैं वो आपको लूज में जूल्स जो हैं वो नहीं मिलेंगे, जूल्स स्पेसिफिक मिलेंगे आपको। और किस में मिलेंगे ये जूल्स? यहाँ पर कौन सा बॉक्स है हमारे पास? यहाँ पर जो बॉक्स है उसको हम क्वांटा कहेंगे। एप्पल के लिए हमने बॉक्स यूज़ किया, वन बॉक्स ऑफ एप्पल, और मैं इसको थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ, वन बॉक्स ऑफ एप्पल इज इक्वल टू 1 quanta contains 6.625×10⁻³⁴ जूल्स एनर्जी। बात मैंने तमाम कर दी है यहाँ पर। अगर अभी भी आपको क्वांटा का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है
तो फिर आप वीडियो को दोबारा देखिए, मेरी बात दोबारा तसल्ली से सुनिए। आप यकीनन डिस्टर्ब होते रहें, इधर उधर से आवाज़ें आती रही हैं, आपकी तवज्जो इधर उधर होती रही है, मोबाइल से खेलते रहें, वरना जिस तरह मैंने समझाया, मैं नहीं समझता कि अब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको समझ में ना आई हो। ठीक है, फिर भी समझ में नहीं आई तो वीडियो दोबारा देखें और सुकून से देखें। तो मैक्स प्लैंक यही बात करता है, बोलता है एनर्जी जो है स्पेसिफिक अमाउंट की सूरत में इमिट होगी और स्पेसिफिक अमाउंट की सूरत में ही एब्जॉर्ब होगी, और इन स्पेसिफिक ये स्पेसिफिक अमाउंट जो एनर्जी का जूल्स में है, ये किस पैकेट के अंदर होगा, उस पैकेट का नाम है क्वांटा। ठीक है, तो एक क्वांटा यहाँ से वहाँ जाएगा, एक क्वांटा इमिट होगा, या दो क्वांटा इमिट होंगे, या चार क्वांटा इमिट होंगे, या दस क्वांटा इमिट होंगे, और इसी तरह दो क्वांटा एब्जॉर्ब होंगे, या दस क्वांटा एब्जॉर्ब होंगे, या पाँच क्वांटा एब्जॉर्ब होंगे। तो ये जो क्वांटा हैं, ये पैकेट्स ऑफ एनर्जी हैं ना, और पैकेट्स ऑफ एनर्जी को या क्वांटा को ले जाने का काम किसका है, वेव का। यहाँ पर हमने एक मिसाल एनर्जी की हीट की ली थी, इसी मुनासिबत से ये वेव्स कौन सी कहलाई, हीट वेव्स कहलाई, और ये हीट वेव्स जो हैं क्वांटा ऑफ हीट एनर्जी लेके यहाँ से वहाँ जा रही हैं। समझ में आ गई बात, यही बात मैक्स प्लैंक ने कही थी। अब ये जो वेव एनर्जी लेके जा रही हैं, आपको पता है वेव्स जो हैं ये एनर्जी लेके जा रही हैं, ये वेव्स इनके इनकी फ्रीक्वेंसी भी तो होती है, होती है ना, जिसको ये न्यू सिंबल है, न्यू ये सिंबल है, इसकी मदद से हम जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रीक्वेंसी को। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वेव्स पास एट अ पॉइंट इन सेकंड, इन वन सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स जो हैं वो एक पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं। जैसे कि ये एक पॉइंट है, ये वेव आ रही हैं और इस पॉइंट को क्रॉस कर रही हैं, तो आप वेव को गिनती कर लें और टाइम देखिए एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स जो हैं वो गुजर रही हैं। एक वेव, ये जो आपको बड़ी सी वेव नज़र आ रही है, ये छोटी वेव से मिलकर बनती हैं। ठीक है, उनको हम गिनती कर लेते हैं। ये पॉइंट जो है वो क्रेस्ट कहलाता है वेव का, ये पॉइंट जो है वो ट्रफ कहलाता है, ये पॉइंट भी क्रेस्ट है। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक का जो डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो चीज़ ये जो आपको नज़र आ रही है, यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, वन वेव। ये क्या है, वन वेव। तो एक वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई, दूसरी वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई, इसी तरह एक वेव यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो क्रेस्ट से क्रेस्ट तक एक वेव, इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक दूसरी वेव, इस क्रेस्ट से इस क्रेस्ट तक तीसरी वेव। तो सपोज करते हैं कि तीन वेव्स जो हैं उन्होंने इस पॉइंट को क्रॉस किया है, तीन वेव्स ने इस पॉइंट को क्रॉस किया है, किसमें, एक सेकंड में। तो अब मैं इस वेव की फ्रीक्वेंसी आपसे पूछूंगा, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो डेफिनेशन देख लें। नंबर ऑफ वेव्स, वेव्स की तादाद जो कि पास कर रही हैं एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट में से गुजर रही हैं, कितने, एक सेकंड में, कितने, एक सेकंड में। तो एक सेकंड में हमने देखा यहाँ पर तीन वेव्स जो हैं उन्होंने इस पॉइंट को क्रॉस किया, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थ्री। इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, थ्री हो गई। समझ में आ रही है बात आपको, इस फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक इस वेव की एनर्जी के ले जाने से बड़ा गहरा है। एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी को हम इस न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्स प्लैंक ये बात करता है अपने चौथे पॉइंट में, वो कहता है कि एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मतलब कोई वेव जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट होगी, या किसी वेव की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी। समझ में आ गई बात, जितनी ज़्यादा कोई
किसी वेव की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा उसके पास एनर्जी होगी, और किसी जिस वेव की एनर्जी जिस जिस किसी वेव की अगर फ्रीक्वेंसी कम होगी तो इसका मतलब उसके पास एनर्जी भी कम है। ये मैक्स प्लैंक बात करता है। तो उसने कहा कि अगर आप एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हैं कोई वेव कितनी लेके जा रही है, तो आप उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लीजिए उस वेव की, तो आपको पता लग जाएगा कि वो वेव जो है वो कितनी एनर्जी लेके जा रही है। इसका ताल्लुक एनर्जी के साथ है। समझ में आ गई बात? साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब हम यहाँ ख़त्म करेंगे, ठीक है, ये वाला, तो उसकी जगह पे इक्वल का निशान आ जाएगा, ये एच आ जाएगा और ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल आ जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई, इसको हम कहते हैं प्लैंक इक्वेशन। इसको हम क्या कहते हैं? प्लैंक इक्वेशन। समझ में आ गई बात? और प्लैंक इक्वेशन में ई एनर्जी है, एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, जो मैंने अभी आपको नंबर बताया था ना, प्लैंक्स कांस्टेंट कहलाता है, इसी के नाम पे है ये प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू क्या है? 6.625 × 10⁻³⁻¹⁴ जूल। एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एच है या प्लैंक्स कांस्टेंट है। बात समझ में आ गई आपको? कोई परेशानी? बिटा दूं इसको? तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी समझ में आ गई? एक दफ़ा फिर बता दूं, एक सेंटेंस के अंदर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में मैक्स प्लैंक क्या बात करता है? वो बोलता है कि कंटिन्यूस अमाउंट नहीं होगा। दो वर्ड हैं जो एक दूसरे के अपोजिट हैं, वो भी लिख देता हूँ, वो भी सुन लीजिए। एक वर्ड है कंटिन्यूस, दूसरा वर्ड है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक अमाउंट, खास मिकदार या तादाद। और कंटिन्यूस का मतलब होता है कोई ख़ास अमाउंट, जैसे कि हमारे पास डिस्क्रीट अमाउंट यहाँ पर क्या है, 6.625 × 10⁻³⁻¹⁴ जूल्स। ये हमारे पास डिस्क्रीट अमाउंट है, स्पेसिफिक अमाउंट है, ख़ास तादाद है, एक क्वांटा के अंदर इतनी एनर्जी जूल्स की शक्ल में मौजूद है। या हम एक और डिस्क्रीट के लिए क्या कर सकते हैं, 5 apples per box। तो ये 5 जो है ये स्पेसिफिक अमाउंट है। आपको पता है दुनिया में एप्पल चाहिए, बॉक्सेस में मिलेंगे, हर बॉक्स में सिर्फ 5 ही एप्पल होंगे, तो ये डिस्क्रीट अमाउंट हो गया। तो डिस्क्रीट वर्ड। यहाँ पर आए कंटिन्यूस की तरफ, नो ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं है। कंटिन्यूस का मतलब नो ऑर्डर, कोई तरतीब नहीं है। अगर हम जूल्स में समझने की कोशिश करें तो एनर्जी जूल्स में अपनी मर्ज़ी से आ रही है, अपनी मर्ज़ी से जा रही है, कंटिन्यूस एनर्जी है, चाहे आधा क्वांटा हो, चाहे 5 जूल हो, चाहे 10 जूल हो, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो कंटिन्यूस का मतलब ये है जिसमें कोई तरतीब ना हो, बेतरतीबी हो, और डिस्क्रीट का मतलब ये है जिसमें तरतीब हो, स्पेसिफिक और ख़ास अमाउंट हो। तो यहाँ पर ये डिस्क्रीट वर्ड और कंटिन्यूस वर्ड दोनों को ज़रा आप ज़हन नशीन कर लीजिए। अब ये जो आपकी बुक में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के पॉइंट लिखे हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। सारे लिखूँगा नहीं, बुक आपके पास है, पेज खोल लीजिए, ये वाला। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पेज नंबर 35 पे ये मौजूद है। पढ़ के बता देता हूँ ये थ्योरी किसने दी थी। जर्मन फिजिसिस्ट था मैक्स प्लैंक, 1900 AD में इसने ये थ्योरी दी थी। और क्या बताया था इसने कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो रेडिएशन का, इसके हवाले से इसने बात की थी कि स्पेसिफिक अमाउंट की सूरत में ही एनर्जी जो है वो इमिट होगी और स्पेसिफिक अमाउंट में ही एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। ये इसने अपनी थ्योरी में बात की थी और वो स्पेसिफिक अमाउंट इसने बताया भी था, कितना कम अज़ कम अमाउंट किसी एनर्जी का एब्जॉर्ब होने का या इमिट होने का, 6.625 × 10⁻³⁻¹⁴ जूल्स, ठीक है।
और इस क्वांटम थ्योरी के ऊपर इसको 18 साल बाद 1918 में 1918 में जाके नोबेल प्राइज़ मिला था। यानी कि ये इतनी बड़ी दरियाफ्त थी इस शख्स की कि 18 साल लगे साइंटिस्ट जो हैं उनको इसके ऊपर वर्कआउट करने में, इसको समझने में कि मैक्स प्लैंक ने बात क्या की है। आप सोचिए तो सही, 18 साल साइंटिस्ट जो हैं उनको लगे हैं तजुर्बे करने में, एक्सपेरिमेंट्स करने में, इसकी इस थ्योरी को वेरीफाई करने में। और जब एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाई हो गई थ्योरी, तब जाके इसको 18 साल बाद नोबेल प्राइज़ दिया गया था 1918 में। पोस्टुलेट्स ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के क्या हैं? एटम्स कैन नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कंटिन्यूसली। देखें पहली बात ही वो क्या कर रहा है, बोल रहा है कि एटम्स जो हैं एनर्जी को इमिट या एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, नॉट कंटिन्यूसली। एनर्जी कंटिन्यूसली ना तो इमिट होगी ना एब्जॉर्ब होगी, बल्कि क्या होगा, डिस्क्रीट अमाउंट में जाएगी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, द एब्जॉर्प्शन और इमिशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन स्पेसिफाइड अमाउंट्स। एब्जॉर्प्शन और इमिशन जो एनर्जी का है वो होगा स्पेसिफाइड अमाउंट्स की ख़ास मकदार में, और स्पेसिफाइड अमाउंट को क्वांटा या पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा गया है। आगे कहता है कि क्वांटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन भी आप रेडिएशन कह लें, ठीक है, आपको आसानी से समझाने के लिए आप रेडिएशन कह लें, रेज कह लें, लाइट कह लें, ठीक है, या फिर आप इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कह लें, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स कह लें। मैंने एक ही चीज़ के कई नाम लिख दिए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, रेडिएशन है, रेज हैं, या लाइट है, या एक और नाम इसका रख दें कलर, जो कि आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कलर भी नज़र आते हैं, ठीक है, या फिर ठीक है। तो क्वांटम इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी। तो क्वांटम क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट है किसका, रेडिएशन एनर्जी का, विच कैन एग्जिस्ट इनडिपेंडेंटली। इनडिपेंडेंटली अकेला जो के अपने वजूद को कायम रख सकता है, और वो अमाउंट क्या है, 6.625×10⁻³⁴ जूल्स। अ क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी, अब हमारे पास एनर्जी की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, हीट एनर्जी भी है, लाइट एनर्जी भी है, ठीक है, तो लाइट एनर्जी को खास तौर पे वो कह रहा है, अ क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज ऑफन कॉल्ड फोटोन। क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी, देखें क्वांटम हीट एनर्जी का भी हो सकता है, पैकेट हीट एनर्जी का भी होगा, लेकिन लाइट एनर्जी का जो पैकेट ऑफ एनर्जी है उसको इसने बोला है कि क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी को फोटोन भी कहा जाता है। क्या है, फोटोन, यानी कि लाइट एनर्जी के जो क्वांटम हैं उनका एक और नाम है फोटॉन्स, ठीक है। अच्छा, द एनर्जी ऑफ क्वांटम या फोटोन इज नॉट फिक्स्ड। फोटोन की या क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी, क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी वो कह रहा है नॉट फिक्स्ड, फिक्स्ड नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। अब क्या है, फोटोन की या क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी की एनर्जी फिक्स नहीं है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि लाइट की जब हमारे पास वैरायटी है, हमारे पास वैरायटी ऑफ लाइट्स है ना, आपको पता है हमारे पास विजिबल लाइट भी है, लाइट की ये सारी लाइट्स की मुख्तलिफ किस्में हैं, ठीक है, और इन सब की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ अलग अलग हैं, ठीक है, हमारे पास विजिबल लाइट है, और विजिबल लाइट मज़ीद जो है वो 7 लाइट्स का मजमुआ है जिनको विबग्योर कहते हैं, फिर हमारे पास अल्ट्रा वायलेट लाइट भी है, हमारे पास इंफ्रारेड लाइट भी है, ये इनविजिबल लाइट्स हैं, लेकिन ये हैं सारी लाइट की ही मुख्तलिफ किस्में। गामा रेडिएशंस हैं, ये भी लाइट की किस्म है, रेडियो वेव्स हैं, ये भी लाइट की किस्म है, समझ आ रही है बात आपको, तो ये सब जो हैं लाइट की ही मुख्तलिफ किस्में हैं, तो इसका मतलब, और ये सारी वेव्स जो हैं लाइट की ही मुख्तलिफ किस्में हैं, तो यहाँ पर जो क्वांटम ऑफ एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसको क्या नाम देंगे हम, फोटोन का नाम देंगे। लेकिन याद रहे
कि अगर मिसाल के तौर पर, ये मिसाल दे के समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वन फोटोन अगर आपके पास जो है वो अल्ट्रा वायलेट का है और वन फोटोन आपके पास इन्फ्रा रेड का है, तो इसका एक फोटोन जो है इसका एक क्वांटम जो है हो सकता है उस वो मज़ीद छोटे छोटे क्वांटम से मिलके बना हो। समझ में आ रही है बात? लेकिन आखिरी हद जो है वो यही होगी 6.625×10⁻³⁴ जूल्स। तो हो सकता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक फोटोन जो है ऐसे दो क्वांटा से मिलके बना हो, हो सकता है अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक फोटोन जो है वो ऐसे चार क्वांटा से मिलके बना है। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, एक क्वांटा के अंदर इतनी एनर्जी है, तो एक फोटोन जो है ये बड़ा हैवी सा हो गया। अब इस अल्ट्रा वायलेट लाइट का एक फोटोन चार जो है वो इनसे क्वांटा से मिलके बना है, एक फोटोन। अब इन्फ्रारेड को अगर आप देखें तो इसका एक फोटोन जो है वो दो क्वांटा से मिलके बना है। समझ में आ रही है बात? इसीलिए वो कह रहा है कि लाइट एनर्जी जो है, इसके जो हमारे पास क्वांटा हैं या फोटोन्स हैं, इनकी एनर्जी फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, अगर फिक्स्ड होती तो इसका मतलब फिर वैरायटी कहाँ होती लाइट के अंदर? सारी लाइट फिर एक ही जैसी होती ना भाई। आपको पता है कि अल्ट्रा वायलेट लाइट ज़्यादा पावरफुल है, उसका एक क्वांटा जो है वो, एक फोटोन जो है वो मिसाल के तौर पर चार क्वांटा से मिलके बना है, और इन्फ्रारेड लाइट जो है वो हल्की है अल्ट्रा वायलेट से, और इसका जो एक फोटोन है, मिसाल दे के समझा रहा हूँ, इसका जो एक फोटोन है वो दो क्वांटा से मिलके बना है। गामा रेडिएशन जो है वो भी लाइट की एक टाइप है, उसका एक फोटोन हो सकता है 10 क्वांटा से मिलके बना हो, और हर क्वांटा के अंदर कितना अमाउंट है एनर्जी का, 6.625×10⁻³⁴ जूल्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हो रही। चौथे पॉइंट में उसने बोला द अमाउंट ऑफ क्वांटम एनर्जी, ये चौथा पॉइंट जो मैंने अभी पहले अभी आपको एक्सप्लेन किया है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। क्या बोल रहा है? एक क्वांटम के अंदर जो एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके साथ? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव के साथ। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी किसी वेव की, इसका मतलब वो उतना ज़्यादा जो है वो एनर्जी लेके एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। वो वेव ज़्यादा स्पीडी है, बहुत उसकी तेज़ वेलोसिटी है, बहुत ज़्यादा वो वेव फ्रीक्वेंट है। उसके पीछे वजह क्या है? उसके पीछे वजह ये है कि वो बहुत हैवी अमाउंट जो है वो एनर्जी का लेके एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जा रही है, इसीलिए उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट है, वो ज़्यादा स्पीडी है। ठीक है, तो यही वो बात कर रहा है कि क्वांटम जो है, अमाउंट ऑफ क्वांटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। और इसी को फिर उसने किससे बताया था? इससे बताया था, ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर ये इक्वल का साइन आया, प्रोपोर्शनैलिटी आया, प्लैंक्स कांस्टेंट आया, और इस तरह से ये प्लैंक इक्वेशन आपके पास आ गई। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, पार्ट 11 हो चुका, पार्ट 12 के अंदर हम एक्सरेज, ठीक है, टाइप ऑफ एक्सरेज, प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ एक्सरेज, इनको डिस्कस करेंगे। फिर मूसले लॉ एंड एटॉमिक नंबर है, यहाँ पर एक इक्वेशन मौजूद है, इसको डिस्कस करेंगे। रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ रेडिएशंस, इनको डिस्कस करेंगे। दो सेल्फ असेसमेंट हैं पेज नंबर 39 पे, इनको भी डिस्कस करेंगे। यूजेस ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन है, ये है। उसके बाद क्वांटम नंबर्स एंड ऑर्बिटल्स, आगे चल के आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, वो उनको अच्छे से अगर आपको सॉल्व करना है तो इन सारी थ्योरेटिकल बातों को समझना पड़ेगा कि इसमें मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।